हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये वर्कशीट है, डेट है इसकी 3 अक्टूबर 2020। वर्कशीट नंबर है बच्चों 78 और कक्षा है ये 3rd to 5th। ये कॉमन वर्कशीट है बच्चों, जिसको आपको कंप्लीट करना है। बच्चों आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको कक्षा और सेक्शन या विभाग बोलेंगे हम, वो आपको लिखना है और अपने अध्यापिका का नाम या अध्यापक का नाम यहाँ पर फिल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है हमारा आज का सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त कौन होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अगर आप न्यू यूजर है, विद बेल आइकन, जिससे कि जो भी वीडियो मैं वर्कशीट डालूं आपके मोबाइल पे तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है सच्चे दोस्त। तो वो कौन होते हैं, वो वही होते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। तो सच्चे दोस्त बच्चों वही होते हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, भले ही उनका कुछ भला हो या ना हो, मगर हमारा भला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त हमें भला कहाँ मिल सकते हैं, इस तरह के जो पर्सन है, इस तरह के जो दोस्त है, वो कहाँ मिलेंगे, क्या सचमुच ऐसे दोस्त होते हैं, क्वेश्चन मार्क है ये। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि क्या इस तरह की चीजें या इस तरह के दोस्त आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके प्रश्नों का उत्तर है जी हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। हमारे ऐसे दोस्त कौन है, वो है हमारे पेड़ या जिसको हम बोलते हैं वृक्ष। पेड़ ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, लेने की इच्छा कभी भी नहीं करते। तो ये हमारा सच्चा दोस्त है, पेड़ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पेड़ों के हर बाग हर पार्ट्स में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है जो सच्चा दोस्त हमने देखा, वो होता है हमारा पेड़ और वृक्ष। तो प्रश्न वन जो आपको दिया हुआ है, पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों तालिका दी हुई है एक टेबल की फॉर्म में, इसको हमें फिगर में दिया हुआ है पेड़ के भाग का चित्र। आपको अपने बड़ों, अपने मित्रों, अपने आसपास के जो बड़े भाई बहनों से आपको पूछना है कि इसमें आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए पेड़ के भाग का चित्र दे रखा है, ये जो चित्र आपको दे रखा है इसको बोलते हैं जड़। पेड़ के भाग का नाम क्या है बच्चों, ये जड़ है, जो कि नींव बोल देते हैं हम। तो यह किस काम आता है, यह हमारे लिए किस काम आता है, यह हमें आपदा से बचाता है, मुश्किलों से बचाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है ये फूल, फूल की शेप में है, तो ये भी वृक्ष का एक भाग होता है। फूल, फूल किस लिए काम आता है, यह हमें खुशबू और सजावट में काम आता है। सजावट में आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो कार सजाते हैं हम, तो फूलों की सजावट ही होती है, या शादी ब्याह में हम जहां डेकोरेशन करते हैं वहां पर भी ये सजावट का काम करता है। और खुशबू तो ऑब्वियसली खुशबू बड़ी प्यारी देते हैं। पत्ता, ये जो आपको दिख रहा है हरा सा, ये होता है पत्ता। पत्ता किस लिए काम आता है बच्चों, ये औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है कि हमारी कई काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ये आपको दिख रहा है तना, इसको बोलते हैं बच्चों तना। तना जो है वो फर्नीचर बनाने के काम आता है, लकड़ी की शेप में हम इसको तोड़ते हैं और लकड़ियों की शेप बना देते हैं, जिससे कि हम कोई भी किसी भी टाइप का फर्नीचर बना सकते हैं। अगला है बच्चों ये एप्पल की शेप आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं हम फल। फल हमारे किस काम आता है, ये फल जो है वो खाने के काम आता है, जिससे हमें अलग अलग विटामिन और इस टाइप की चीजें मिलती है और हम भरपूर मात्रा में इसको यूज करते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट करने का सारे कंटेंट मिल गए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, स्टूडेंट्स न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए, और फाइनली इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए, जिससे कि सभी आपके दोस्त, सच्चे दोस्त आपके काम को कंप्लीट कर पाए और टाइमली इसको सबमिट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।